श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो वे सन्दत्तां सदा हृदि। आज जन्माष्टमी के सुंदर पर्व में हम गोपाल विंशति भगवान वेदांत देशिक जी से रचित श्री कृष्ण की लीला के बारे में वर्णनात्मक छोटा सा श्लोक ग्रंथ हम इधर अर्थ के सहित अनुसंधान करेंगे। वस्तुतः भगवान के अनेकानेक अवतार में अहूनि में व्यतीतान जन्मानि अवतार जुन है साम्यहम वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप, ऐसा अर्जुन जिसे कहते हैं। उसी प्रकार भगवान का अनंत अवतार है, उसमें से हम 10 अवतारों के बारे में वर्णन आचार्यों से किया गया है, हम सुनते आ रहे हैं। उसमें भी 9वां अवतार के रूप से प्रसिद्ध जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वो अत्यंत लोकप्रिय है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका हृदय को आह्लादित करने वाला एक सुंदर अवतार है, तो उसे कहते हैं कृष्ण अवतार। ये कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है। पूर्ण रूप से भगवान श्री वैकुंठवासी भगवान स्वयं संपूर्ण रूप से अपने गुणों के साथ विकसित गुणों के साथ पधारे हैं, इसलिए वो इस गोपाल बालक के रूप से जो अवतार किए हैं वो हम पूर्ण अवतार मानते हैं। शंख चक्र गदा आयुष इत्यादियों के साथ ही अवतार यद्यपि लिए, उपसंहर विश्वात्मन श्लोक के आधार पर वसुदेव जी की प्रार्थना को स्वीकार करके शंख चक्र इत्यादियों को गोपन कर लिए हैं। वस्तुतः उसके साथ ही जन्म लिए थे। इतना सुंदर अवतार है पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार वंदे। उसमें पहला श्लोक है, इस श्लोक में गोपाल विंशति स्तोत्र में वंदे वृंदावनचरम वल्लवी जन वल्लभम जयंती संभवम धाम वैजयंती विभूषणम। वृंदावनचरम वल्लवी जन वल्लभम वैजयंती विभूषणम जयंती संभवम धाम वंदे। वंदे प्रणाम करता, इसको प्रणाम करते हैं वल्लवी जन वल्लभम वृंदावनचरम, वृंदावन में संचार करने वाले संपूर्ण वृंदावन में भगवान का पाद स्पर्श के बिना एक जगह नहीं है। इतना साल तक भगवान वहां बहुत मजा से सब जगह पे विश्राम लिए हैं, विहार किए हैं और उनकी लीलाओं से भरा हुआ है वृंदावन। वृंदावन वृंदावन चरम वृंदावनी चरती, सामान्य रूप से वन में संचार करना ही भगवान को बहुत प्रसिद्ध बहुत अच्छा लगता है। वन में रहने वाले दुष्ट प्राणियों को भी कंट्रोल में रखना है तो भगवान वनेश्वर भी बन गए। वनचरम बृंद अवनचरम, वृंदावन करके एक स्थान है ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। गोवृंदों को अवन बृंद अवन गोवृंद, गोवृंद यानी गायों का एक बहुत बड़ा समूह है, उस समूह को वृंदावन बृंद अवन चरम बृंद अवन चरम बृंद अवन यानी उसको रक्षण करने के लिए, बृंद यानी गायों का ग्रुप है, उस बृंद अवन उसको रक्षण करने के लिए भगवान संचार करते हैं, इसलिए वृंदावन चरम। पशुपति ही ऐसा शिव जी का नाम है, परंतु वस्तुतः पशु यानी क्या है, वहां जीव को पशु शब्द से बोलते हैं। सब जीवों के पति हैं ऐसा शिव को वहां बताते हैं। वस्तुतः निरुपाधिक रूप से भगवान ही सर्व पशुओं का पति है, पशुपति शब्द भगवान में भी घटित हो जाता है सुंदर ढंग से, क्योंकि सब प्राणियों के शरीरी अंत प्रविष्य नियमन करने वाला भगवान श्री कृष्ण ही है, विष्णु ही। इसलिए बृंद गोवृंद अवन रक्षण के लिए संचार करने वाले अर्थात
जहां जहां जिसकी रक्षण चाहिए उन सबको रक्षण करने वाले और दुष्टों का निग्रह करने वाले। और जब शिष्ट रक्षण करने वाले ये अर्थ मिलता है तो दुष्टों का शिक्षण करना भी अर्थात मिल जाता। अच्छे लोगों को वो अगर रक्षण करते हैं का मतलब बुरे लोगों को तो नाश करते हैं, ये तो निर्णीत बात है। एक कहने से ही एक दूसरे का स्मरण आ जाएगा। साधु परित्राणाय भगवान अवतार करते और दुष्कृत विनाश आय उसके लिए भी मुख्य रूप से दुष्कृत विनाश है या साधु परित्राण है, साधु परित्राण भी मुख्य काम है, उसके लिए करना पड़ता है दुष्ट शिक्षण। इसलिए मुख्य काम तो भगवान का अच्छे लोगों को संरक्षण करना। इसलिए वृंद नॉट ओनली गो वृंद चेतन वृंद चेतनों का ग्रुप जो है उसको आवन रक्षण ये अर्थ भी कर सकते हैं। वृंदावन करके वृंदावन वृंदा नाम का एक वन है उसे भी वृंदावन शब्द से कह सकते हैं। तुलसी वन तुलसी जहां रहती है वहां लक्ष्मी जी का नित्यवास होता है, इसलिए लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। रमा क्रीडम भूम नृप ऐसा भागवत वर्णन करता है। जब जैसे भगवान वृंदावन में आने की तैयारी की है तब तो रमा क्रीडम भूम नृप लक्ष्मी जी का विहार होने लगा, यानी मतलब सब ग्रीनरी ही ग्रीनरी और धातुओं की पुष्टि पृथ्वी के नीचे भी, ऐसा वृंदावन बहुत सुंदर हो गया ऐसा कहते हैं। सततम रसी सौम्य शीरवधू साकमास्ते सदा के लिए लक्ष्मी जी उनके हृदय में रहती है ऐसा गोपस्त्रियां भ्रमर गीत में ऐसे भगवान उनको छोड़कर हमारे पास कैसे आएंगे ऐसा बोलते वक्त भी याद करते हैं लक्ष्मी जी का नित्यवास होता है वृंदावन में और भगवान के साथ तो सदा के लिए ऐसा रमा क्रीडम अभुन कृपय ऐसा वर्णन सुखदेव जी करते। वंदे वृंदावन चरम वल्लभी जन वल्लभम वल्लभी जनहा यानी गोप स्त्रिया उनको इधर वल्लभी जनहा शब्द से कहते हैं। और जो गौवालम के घर के बेटियां और गोपस्त्रियां हैं गोपकन्याएं हैं इनका हृदय का प्राण का भी नाथ है भगवान। वल्लभी जनों का वल्लभ है प्राणनाथ है ऐसे वल्लभी जन वल्लभम तो कब अवतार किए हैं कि जयंती संभवम शब्द से कहते जयंती संभवम इस श्रावण महीने में और कृष्ण पक्ष में सिंह मास भी कहते हैं श्रावण मास भी कहते हैं उसमें रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए ऐसे दिन को हम जयंती शब्द से बोलते कृष्ण पक्ष में सिंह मास में अर्थात श्रावण मास में रोहिणी नक्षत्र के आने का जो दिन है और वो अष्टमी भी हो और श्रावण मास भी हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो उस दिन को जयंती शब्द से कहते हैं। इसलिए जयंती संभवम शब्द का प्रयोग किए फिर से जयंती शब्द का अलिटरेट करते हैं वैजयंती विभूषणम वैजयंती जिसका विभूषण है वैजयंती वनमाला को कहते हैं। वैजयंती को विभूषण के रूप से पहनने वाले ये भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम वंदे अहम वंदे मैं प्रणाम करता हूँ वंदे जैसे जब भी आता है अहम का शब्द को रख लेना अहम वंदे ऐसा मतलब है। वृंदावन चरम वंदे वल्लभी जन वल्लभम वंदे जयंती संभवम वंदे वैजयंती विभूषणम वंदे धाम वंदे तेजस और इस तेजस को प्रणाम करता हूँ धाम शब्द का मतलब है तेजस ऐसा तेजस्वी व्यक्ति है उनको प्रणाम करता हूँ ऐसा श्लोक शुरू होता है स्तोत्र ग्रंथ। वंदे वृंदावन चरम वल्लभी जन वल्लभम जयंती संभवम धाम वैजयंती विभूषणम धाम धामनी धामानी ऐसा नपुंसकलिंग है वंदे यानी कम वंदे प्रश्न है धाम वंदे उत्तर है का मतलब धाम धामनी धामानी धाम धामनी धामानी द्वितीय विभक्ति में भी धाम है ये द्वितीय विभक्ति का धाम है क्योंकि सब जगह पे द्वितीय विभक्ति है वल्लभी जन वल्लभ वंदे वृंदावन परम जयंती संभवम सब जगह पे है। धाम में भी द्वितीय विभक्ति धाम होना चाहिए समझ सोचना
क्योंकि दाम शब्द ही नपुंसकलिंग होने की वजह से द्वितीय विभक्ति में भी वही है। फलम फले पदानी धाम धामनी धामानी धाम धामनी धामानी, विसर्ग नहीं आएगा, धाम ऐसा नहीं आएगा, दामम ऐसा भी नहीं आएगा, इसलिए धाम ही रह जाएगा। वाचम निजांकर रसिकाम प्रसमीक्षमाणः वस्त्रारविंद विनिवेशितपांचजन्यः वर्ण त्रिकोण रुचिरे वर पुंडरीके बद्धासनो जयति वल्लभ चक्रवर्ती। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। वाचम निजांकर रसिकाम प्रसमीक्षमाणः वक्त्रारविंद विनिवेशित पांचजन्यः वर्ण त्रिकोण रुचिरे वर पुंडरीके बद्धासनो जयति वल्लभ चक्रवर्ती। वर्ण त्रिकोण रुचिरे वर्ण त्रिकोण रुचिरे, बहुत सारे अक्षरों से लिखित त्रिकोण के बीच में, त्रिकोण रूपी एक त्रिकोण है, उसके अंदर मध्य में लिपियां लिखित हैं और वो त्रिकोण में होने की वजह से बहुत सुंदर भी लगता है और शब्दों का लेखन भी उसमें है और गोपाल मंत्र उसमें लिखित है, ऐसे रुचिर भी है, बहुत सुंदर भी है। ऐसे उस आसन में वर्ण त्रिकोण रुचिरे और वहाँ एक पुंडरीक भी है, कमल भी है, उस पुंडरीक में त्रिकोण के ऊपर एक पुंडरीक है, उस पुंडरीक में बद्धासनहा, आ बद्धासनहा यानी दोनों हाथों से घुटन को ऐसा एक साथ लगाकर बैठे थी और उसे कहते हैं बद्धासनहा, बद्धासन कहते हैं, बंद करके बैठना है यानी दोनों नी को बंद करके बैठना है, उसे कहते हैं घुटन को साथ में रखकर हाथों में हाथों से दोनों हाथों से उसे बांध के बैठने का जो स्थिति है उस स्थिति को बद्धासन स्थिति बोलते हैं। और आपको स्पष्टता के लिए कहता हूँ, जो अय्यप्पा सब दर्शन करने जाते हैं और वो अय्यप्पा भी वैसे ही बैठे देवता बद्धासन वर पुंडरी के बद्धासन एकदम श्रेष्ठ पुंडरी वर पुंडरी वर यानी श्रेष्ठ पुंडरी में और वो पुंडरी कहाँ है त्रिकोण में त्रिकोण संस्था में है और त्रिकोण में क्या है वर्ण लिखित है कौन सा वर्ण है गोपाल मंत्र है अर्थात गोपाल मंत्रों से लिखा हुआ एक त्रिकोण संस्थान में बद्धासन में विराजमान भगवान हमारे लिए ध्यान करने योग्य है। निजांकर रसिकाम वाचम प्रसमीक्षमाणः निजांकर रसिकाम और वो सरस्वती देवी आकर उनके गोद पे बैठ गई है और क्योंकि वो वागीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, सुंदर ढंग से बात करने की तरीका उनसे सीखना चाहिए। निजांकर रसिकाम अपने गोद को रख गोद में बैठकर भगवान के गोद में बैठकर सरस्वती जी जो आनंद ले रही है उस सरस्वती जी को देखते रहते हैं। प्रसमीक्षमाण हाँ काम काम किसको देख रहे हैं वाचम प्रसमीक्षमाण हाँ वाणी को देख रहे हैं। वो वाणी कहाँ है अपने गोद में आराम से बैठी है और वो एंजॉय कर रही है कि गोद को गोद का सुख को एंजॉय कर रही है ऐसे सरस्वती देवी को देखते हुए। इससे मतलब है लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों राजी हैं भगवान के बाबत में और लक्ष्मी जी की न तो कमी है सरस्वती जी की भी जो कोई कमी नहीं है भगवान में। और बद्धासनहान जांकर सिकाम वाचम प्रसमीक्षमाणः वक्त्रारविंद विनिवेशित पांचजन्य जब भी देखो भगवान अपने फ्लूट को अर्थात पांचजन्य यानी पांचजन्य शंख है शंख को फ्लूट नहीं है शंख को अपने वक्त्रारविंद में रखे हैं अपने मुख रूपी जो कमल है उसके उसके अंदर रखकर पांचजन्य को पांचजन्य से आवाज निकाल रहे हैं। विनिवेशित पांचजन्य विनिवेशित रखा हुआ मतलब है
अपने मुख में पांचजन्य रूपी शंख को रखे। पांचजन्य करके एक बड़ा राक्षस था, उसको मिटाकर उनसे उनके पास जो था उसे लेके आए हैं, इसलिए उसका पांचजन्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए पांचजन्य बोलते हैं। भक्तारविंद विनिवेशित पांचजन्य वल्लभ चक्रवर्ती, वल्लभ चक्रवर्ती वल्लभ वंश, उसके चक्रवर्ती उसके राजा भगवान श्री कृष्ण वल्लभ चक्रवर्ती, ये गव्वालों का जो राजा है, ऐसे भगवान जयति विराजमान हैं। वाचं निजांक रसिकां प्रसमीक्षमाणः वज्रारविन्द विनिवेशित पांचजन्यः वर्णत्रिकोण रुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयति वल्लभ चक्रवर्ती। अर्थात अन्वय ऐसा कहना है, वर्णत्रिकोण रुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनः निजांक रसिकां वाचं प्रसमीक्षमाणः वक्त्रारविन्द विनिवेशित पांचजन्यः वल्लभ चक्रवर्ती जयति, ऐसा अन्वय करना। ओम नायकं विदुदितस्फुरिताधरोस्तम् आश्राविलेक्षणम् अनुक्षणम् अन्दहासम् गोपालडिम्भवपुषं कुहनाजनन्याः प्राणस्तनं भयमवैमि परं पुमांसम्। ओम नायकं विदुदितस्फुरिताधरोस्तम् एकी शब्द आश्राविलेक्षणम् अनुक्षणमन्दहासं गोपालडिम्भवपुषं कुहनाजन्याः प्राणस्तनन्दयम् अवैमि परं पुमांसम् अस पदचेत् आम्नाय, आम्नाय में वेद में एक सुगंध है, वेद का सुगंध कहाँ आ रहा है कि इनके अधरोष्ट में आ रहा, इनके मुखारविंद में से निकल रहा, क्योंकि सदा वेद मंत्रों का उच्चारण करने की वजह से आमनाय गंधी रुदित स्फुरित है, और कभी कभी रोते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, उसमें अधर स्फुरित होता है, अधर में एक स्फूर्ति होती है, और उसके साथ दोनों ऊपर का और नीचे का जो अधर है उन दोनों को, दोनों में कंपन होता है, रोदन भी होता है और साथ पुरन भी होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण को कभी गुस्सा आता है तो रोएंगे ना, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, रोएंगे, तब दोनों अधर ऊपर का और नीचे का अधर में पुरन होता है, उसका वर्णन करते हैं आमना, वो भी उसमें से सुगंध कौन सा है, वेद का सुगंध आता है, क्योंकि दाता यथा पूर्व कल्पे ऐसा ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया हुआ मुखारविंद है, इसलिए इसमें सुगंध आ रहा आमनाय का वेद का। आमनाय गंधी रुदित, आमनाय गंधी रुदित स्फुरित अधरोष्टम, आमनाय गंधा वर्तते अस्मिन्ति आमनाय गंधी, और रोदन के हिसाब से स्फुरण होने की वजह से अधरोष्ट और उत्तर का वोष्ट दोनों में स्फुरित उदित हो रहा है, रुदितम यथा तथा स्फुरितम, जितना रोते हैं उतना स्फुरण होता है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, कभी कभी क्या करेंगे कुछ बोलते बोलते बच्चे रोएंगे तो स्फुरण होगा आदर आदर में। आश्रावलेक्षणम, आश्रय यानी टियर्स, जो आंख में से रोने की वजह से बूंदे निकलते हैं उसको आश्र शब्द से बोलते हैं, उसकी वजह से आविलय स्पष्ट दिखाई नहीं देता है भगवान, अश्राविलयम ऐसा आंसू की वजह से, आंसू की वजह से डिम दिखता है, कुछ भी बराबर दिख नहीं रहा है, ऐसा आविलयम ऐसा जो मंद दृष्टि है वो हो रहा। अनुक्षण मंदारम, अभी अभी रोए तुरंत हंस रहे हैं, बच्चे कभी भी तुरंत कभी गुस्सा भी आता है तो तुरंत चला जाता है बच्चों को, बड़े लोग केवल बहुत दिन रखते, ऐसा कह सकते हैं दुष्ट लोग ज्यादा दिन द्वेष रखते, अच्छे लोग तुरंत भूल जाते हैं, बच्चे लोग भी भूल जाते हैं, अच्छे लोग भी भूल जाते हैं। आश्राविलेक्षण अनुक्षण मंदहासम गोपाल डिंब वपुषम कुहनाजनन्या प्राणस्तनंदयम, और कुहनाजनन्या
शब्द बहुत मुख्य है। और वंचित करने के लिए एक माताजी का रूप धारण करके आई। वैसे भी माताजी का रूप धारण किए ना, इसलिए भगवान को बहुत 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 संतोष हुआ। अच्छा ठीक है, राक्षसी तो है परंतु माताजी का वेश में आया है, ये क्या है चीज। परंतु माताजी का तो अनुग्रह ही करना चाहिए, इसलिए कुहना जनन्या प्राण स्तनंधयम, उसका प्राण को भी साथ में पी लिए थे स्तनंधय भगवान। स्तन्यपान करने के व्याज में इन द डिस्गाइज ऑफ टेकिंग मिल्क फ्रॉम हर ब्रेस्ट ही आल्सो टुक अवे द प्राण ऑफ हर। गोपाल डिंब भूषण, ऐसे जो गोपाल वंश में गाय पालन करने वाले वंश में जो डिंब भूषण छोटा बच्चा का स्वरूप धारण करने वाला वस्तुतः कौन है, परम पुमांसम परम पुरुष है, ऐसे उनको हम जान करते हैं। अवैली परम पुमांसम अवैली, उसको हम ऐसा समझते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो केवल आपको ऐसा नहीं समझ लेना कि ये छोटा बच्चा है, ये तो परम पुमान परम पुमान है, परम पुमान परम पुरुष द ग्रेटेस्ट वन, ऐसा समझना समझ रहा हूँ। अवैली उसको सामान्य नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा मतलब निकलता है। आविर्भवत्वानिभतोभरणं पुरस्तादातुञ्चितैकचरणं निभतान्यपादम् दध्नानिमन्थमुखरेण निबद्धतालं नतस्यनन्दभवनेन वनीतनाट्यम्। और वो नवनीत के लिए भगवान जो लीलाएं किए हैं, वहां नर्तन किए हैं, नर्तन करके मांग रहे हैं, वो सुंदर भगवान का स्वरूप ऑलरेडी नीलमेनी मणिवर्णन नीलमेनी ब्लूइश है पूरा शरीर, और रत्न के समान रत्न में जो नील रत्न है उसके समान वर्ण है, तो नीलमेनी मणिवर्णन ऐसा दिव्य सूर्या जिस प्रकार भगवान को कहते हैं, वैसे उनका नवनीत नाट्य का वर्णन करते हैं इस श्लोक में। नवनीत के लिए अगर मक्खन के लिए जो डांस किए थे भगवान, उसका वर्णन इस श्लोक में है। आविर्भवत् वैसा भगवान का नवनीत नाट्य मेरे सामने आ जाए, क्योंकि ये कालांतरवर्ती हैं, बहुत साल 5500 साल के बाद 6000-7000 साल के बाद वेदांत सिंह जी का अवतार हुआ है। ये 5000-6000 साल 7000 साल का कैसे हम दर्शन कर सकते हैं, पहले की बात है। तब तो मांग रहे हैं आविर्भवत् मेरे ज्ञान में साक्षात्कार में भगवान उपस्थित हो जाए। कैसे उपस्थित होना चाहिए, वो कहते हैं अनिभृताभरणम अनिभृताभरणम, एक भी आवाज के बिना आभूषण वैसे स्तंभित है, आभूषण में से आवाज नहीं निकला, क्योंकि वो एक बार क्या किए थे आभूषणों को प्रार्थना करते हैं, बद्धांजलि ही बाल विभूषणानी वर्णन करते हैं यादव अभ्युदय में वेदांत देशिक जी स्वयं, जहाँ एक्सक्लूसिवली महाकाव्य लिखा गया है भगवान कृष्ण के लीला के बारे में, वहां कहते हैं आभूषणानी अपने आभूषणों को बद्धांजलि ही हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं कि आवाज मत किया करो यार, समय पर आवाज कर लेते हैं आप लोग, इसलिए अभी आभूषण सब बिना शब्द बिना आवाज शब्द होकर रह रहे हैं। अनिभृताभरणम अनिभृताभरणम थोड़ा सा भी हिलना नहीं है, ऐसा समझ कर वो खड़े हैं ऐसे आभूषण। नित्य विभूति में भी आभूषण में चैतन्य है ऐसा बताते ही शरणागति गति में, क्योंकि वो भगवान के शरीर के हिसाब से अलंकार के हिसाब से सेट होना चाहिए, अपने आप सेट हो जाएगा कान क्या सेट होना है, इसलिए और उसमें चैतन्य है ऐसा कह रहे हैं। इधर इधर भी क्या अनिभृताभरणम थोड़ा सा भी आवाज जैसा ना हो ऐसा खड़े हैं अनिभृताभरणम। निमंत्र मुखरेण दधना दधना निमंत्र मुखरेण, और मंथन कर निमंथन करने की वजह से अथवा मंथन करने की वजह से जो आवाज बाहर निकलता है, ऐसी जो दधी है उससे निबद्ध तालम से ताल का काम हो रहा है। आवाज भले नीचे है
आभूषण का भी आवाज बहुत नीचे है, परंतु ताल जो है थोड़ा बराबर दिखता है, बराबर सुनाई देता है। निबद्ध तालम, कैसे तालम है? निर्मित आभरण मुखरे निबंध मुखरेण निबद्ध तालम जना निबंध मुखरेण, मंथन करने की वजह से और इस तरफ उस तरफ दोनों हाथों से रस्सी को खींच खींच कर जो स्टाइलिश रूप से गोपस्त्रियां दधिमंथन करते हैं उस समय में, उस समय में जो आवाज आता है वही ताल बन गया है। और सो क्या हुआ है? आकुंचित एक चरणम, क्योंकि अभी नर्तन हो रहा है, एक पैर को ऐसा थोड़ा नीचे रखे हैं, एक पैर को आकुंचन करके रखे हैं, थोड़ा छोटा बना कर रखे। आकुंचित एक चरणम निभृतान्य पादम, और एक चरणारविंद है, उस और एक चरणारविंद को थोड़ा सा भी हिलाते बिना एक सड़ी खड़े ही निवृत अन्य पादम अनिवृताभरणम, बहुत सारे आवाज के बिना आभूषण है। निबद्ध मुखरे निमंथ मुखरे न दधना निबद्ध तालम, जो मंथन करने के लिए दही को मंथन कर रहे हैं उसमें जो आवाज आ रहा है वही ताल की ताल जैसा हो गया है। और नंद भवनी, नंद के भवन में महल में नाथस्य भगवत श्री कृष्णस्य नवनीत नाट्यम, नवनीत के लिए जो नृत्य किए थे बैकग्राउंड के साथ, वो पुरस्ताद आविर्भवतु, मेरे आंख के सामने सदा के लिए रहे। नवनीत नाट्यम पुरस्ताद आविर्भवतु, मेरे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। आविर्भवतु अनिभृताभरणम पुरस्तात् आकुञ्चितैक चरणं निबद्धान्य पादं दध्नानि मन्थमुखरेण निबद्धतालं नाथस्य नन्दभवने नवनीतनाट्यम्। अरे इसे हम समाप्त करते हैं, आगे के सेक्शन में आगे सार श्लोक करेंगे। कविता अर्पिक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।